हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू द स्क्रीन वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं भिंडी। सो गाइस, सबसे पहले हम ले लेंगे सरसों का तेल और उसको पका लेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ के साथ हम ले लेते हैं थोड़ा सा लहसुन लिया है मैंने और दो लिए हैं प्याज, और इनको अच्छे से छिल लिया है मैंने प्रॉपरली, लहसुन भी प्याज भी। अब इसको प्रॉपरली हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। अनियन और गार्लिक हमारे अच्छे से चॉप होने चाहिए, सो इन सबको चॉप कर लेते हैं जब तक कि हमारा ऑयल रेडी हो रहा है। सो गाइस, अनियन चॉप करने के बाद हम लेंगे एक टोमेटो और उसको भी चॉप कर लेंगे। ऐसे रैंडमली चॉप कर लेंगे, फाइन कटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली जैसे रैंडम कट करते हैं हम टोमेटो कट कर लेते हैं। सो आफ्टर कटिंग टोमेटोज, मैं स्पेस बना रही हूँ भिंडी के लिए। सो भिंडी भी मैं इसी में कट कर रही हूँ गाइस, और भिंडी आ रही है आजकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आप गाइस देखो कितनी क्रंची है, साइज़ देखो भिंडी का, वाव अमेजिंग। सो भिंडी भी अपनी सारी की सारी कट कर लेंगे अपने हिसाब से, आप मीडियम कट कर सकते हो। सो भिंडी कट कर लेते हैं सारी की सारी। एंड देन मैंने ली है एक ग्रीन चिली, वो ग्रीन थी वो रेड हो गए बड़े बड़े, सो इसको स्लिट लगाया मैंने। और उसके बाद हमारा ऑयल भी है रेडी। अब ऑयल को थोड़ी देर रख देंगे नीचे सो दैट कि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और उसके अंदर हम अपने तड़के की सारी चीज़ें डाल देंगे, जैसे टोमेटोज, ग्रीन चिली जो हमने डाली थी, अनियन एंड गार्लिक, इन सबको डाल लेंगे सबसे पहले तो। और उसके बाद इसको देंगे एक अच्छा सा सॉटे। सो इसको हमने पैन को रख लिया है गैस पे, एंड इसको अच्छे से प्रॉपर सॉटे, मतलब बिल्कुल हल्का सा सॉटे देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और उसके बाद हम अपनी भिंडी ऐड कर लेंगे। सो सारी की सारी भिंडी ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। सो जैसे कि भिंडी थोड़ी सी पक जाती है, अब इसमें जाएंगे सारे हमारे सूखे मसाले जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, आप ये सारे के सारे डालो। और गाइस, ये सारे अगर आप डालते हो तो आई एम श्योर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। इसमें से कोई भी एक स्किप मत करना और आपको ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। सो उसके बाद मसाले डालने के बाद इसको हमने सॉटे किया, और अब हम इसको ढक के पका लेंगे। साथ ही साथ हम अपना फ्रेश आटा करेंगे तैयार और उससे बनाएंगे फ्रेश फ्रेश चपातीज़। सो जैसे कि हमारी सब्ज़ी बन रही है, मैंने आटा भी गूंद लिया है, और अब हम फ्रेश फ्रेश चपातीज़ बनाएंगे और सर्व करेंगे हमारी ज़बरदस्त मसाला भिंडी के साथ। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारी मसाला भिंडी एकदम रेडी है और कितनी ज़बरदस्त यम्मी लग रही है। और गाइस, सिर्फ देखने में ही नहीं खाने में भी ज़बरदस्त है ये। सो गिव इट अ ट्राई और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना।